श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी तरह रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर रिश्ता आपसे छोटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जाने बिना वजह रिश्ते टूटते नहीं है। कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है और रिश्ते बहुत नाजुक रेशम के धागे से भी कमजोर होते हैं जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलतफहमी से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दें और मान दें। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला ले। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश अपनों को समझाने की नहीं दूसरों को समझने की कीजिए। निसंकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना यह हल है। इस संसार में हर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इंसान लड़ाई करे इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए। इसलिए यह अहंकारी और मूर्खों का है जो विचारों के लिए लड़ते हैं। इसमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं समाज में हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है जिसको निभाना जरूरी होता है। समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुकते हैं। इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में रसों लग जाते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। ऐश तो मिलते हैं, नसीब से बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। एक दूसरे पर भरोसा करना रिश्ते का पहला कदम होता है। एक दूसरे की अहमियत को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठे स्वाभिमान के चलते अपने साथी की अपनी जिंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं। हम उससे भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते। कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जरा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही यकीन मानिए। बदले में भरोसा सहारा प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत हालचाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम का भी फोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ले लेना चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उनको समय दीजिए। ज्यादातर लोग आपसे आपके स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं। इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि हाँ जी आप आज कैसे हैं। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं इसलिए उनको अपनापन महसूस कर पाए। गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे जरूरी है। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाकर आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर एक रिश्ते की कदर कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथ ही भी है। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह एक ही है, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। वो भी आपका ख्याल जरूर रखें। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार आपका कर्म है। वह आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें वह आपके वश में नहीं है लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आपके वश में जरूर है। जहां तक हो सके अच्छे और भी नर्म बने रहिए। यदि बात आपकी स्वाभिमान पर आती है तो हट जाइए लेकिन दूसरों के साथ उन्हीं के स्तर पर मत जाइए।
सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है। आपका भी और उनका भी रिश्तों की अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता स्वाभाविक लेकिन अशिष्ट होता या फिर बुरा बर्ताव आपका अपना कर्म है। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते उस अमृत की तरह है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से सहेजना सीख तो जब तक इस धरती पर बसे रहे वह कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता है। एक समय में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिया। वहीं से दोनों के रिश्ते में खट्टास आ गई। पूरा एक साल बीत गया लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी का शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं उन्हें ही मना लेता हूं। उसने भाई से बीती बातों को लेकर क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था। उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह भाई को मना कर रहेगा। विवाह के काफी दिन कम बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थी। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है, उनके सारी बातें वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी करते। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटी की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वह तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारो? गह, अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा, इसलिए यहां मत आया करो। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। इसलिए हमेशा सभी से स्नेह करते रहें और कोई भी समस्या हो उसे आप बात कर सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल।